हरे कृष्णा, मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। आज हम व्याख्या करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 44 और 45। भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा है कि जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। आगे उन्होंने कहा है श्लोक नंबर 45 में अध्याय नंबर 2 कि वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। इससे पहले के श्लोक थे 42 और 43। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति रखते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर जीवन में और कुछ भी नहीं है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, इसकी चर्चा मैं पिछले अध्याय में कर चुका हूँ, तो यहाँ पे इसकी व्याख्या करने जरूरी नहीं है। श्लोक नंबर 44 की, हाँ 45 की जो अध्याय श्लोक नंबर 45 है उसमें 2-3 बातें समझनी बहुत जरूरी हैं। इन्होंने कहा कि वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है, तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ वेदों को बुराई नहीं की है, वेदों की निंदा नहीं की है, केवल वेदों की सीमा उन्होंने बताई है कि वेदों की सीमा कहाँ तक है। वो त्रिगुणातीत नहीं है, वो 3 गुणों के बाहर नहीं है। अब यदि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा बताया है कि वेदों में मुख्यतः 3 गुणों का वर्णन हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब वेदों को पढ़ना छोड़ दो और गीता को पढ़ना शुरू कर दो। उन्होंने गीता भी उन 3 गुणों से आगे नहीं है, क्योंकि अगर हम कुछ भी शब्द कहते हैं तो 3 गुणों के अंदर ही वो कहा जाएगा, तो गीता भी उसी में शामिल हो जाती है। हे अर्जुन, 3 गुणों से ऊपर उठो, यानी कि इन 3 गुणों को छोड़ दो, तम, रज और सत। हम कहते हैं कि सत जीवन सभी को जीना चाहिए, सत्संग में सिखाया जाता है कि सत जीवन जीना चाहिए, सतोगुण की तरफ चलो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं छोड़ो तीनों को, तीनों से ऊपर उठो। समस्त द्वैतों, यानी कि जो 2 का भाव है, जैसे लाभ और हानि, विजय और पराजय, शुभ और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायण बनो, यानी कि समस्त द्वैत भाव से मुक्त हो जाओ, जैसे राग और विराग। आपको किसी से प्रेम है और फिर आप उससे नफरत करने लगते हो। पहले आपने प्रेम करना चुना, फिर आपने नफरत करना चुना, आपने चुन लिया। पहले आपने राजमहल के सुख चुने थे, फिर आपने सन्यास्त जीवन को चुना। पहले आपने भगवान श्री कृष्ण को चुना था, फिर आपने महादेव को चुना। पहले आप हिंदू धर्म में थे, फिर आप मुस्लिम धर्म में चले गए। पहले मुस्लिम धर्म में थे, फिर आपने हिंदू धर्म चुना। हिंदू धर्म को छोड़कर आपने क्रिश्चियन धर्म चुना। साथ को छोड़कर विसात चुना, हानि को छोड़कर लाभ चुने, गालियां देने को छोड़कर आपने भक्ति चुनी, परमात्मा की भक्ति चुनी। बैठे रहने से अच्छा आपने कर्म को चुना। लेकिन प्रश्न ये है कि आपने चुना, तो भगवान श्री कृष्ण चुनने के लिए मना कर रहे हैं कि चुनिए ही मत, चुनाव ही मत कीजिए। बहुत गहरे प्रश्न ये नहीं है कि आप क्या चुनते हो, बहुत गहरे प्रश्न ये है कि क्या आप चुनते हो। दोनों चीजों से मुक्त हो जाइए, द्वैत से आप मुक्त हो जाइए, क्योंकि पैसे को छोड़ देना आसान है, लेकिन आप पैसों को छोड़ोगे कैसे? क्योंकि आप किसी चीज को तभी छोड़ते हो जब आपके मन के अंदर उसका मोह। आध्यात्मिक गुरुओं ने सन्यास को चुना, उन्होंने सन्यस्त जीवन को चुना, उन्होंने ब्रह्मचर्य चुना। आखिर ब्रह्मचर्य कौन चुनेगा? कौन चुनेगा ब्रह्मचर्य? जिसके मन के अंदर सेक्स की बहुत लालसा होगी, तभी आध्यात्मिक गुरु सेक्स के प्रति इतने लालायित रहते हैं। क्यों रहते हैं? तभी वो आए दिन फंसते रहते हैं। क्यों फंसते रहते हैं?
क्योंकि उन्होंने जिस चीज़ को छोड़ा है, जिस चीज़ को उन्होंने दमन किया है, छोड़ने से मतलब दमन करना ही है। यदि आपने संन्यास जीवन चुना है गृहस्थ जीवन को छोड़ के, यदि आपने सेक्स लाइफ को छोड़ के ब्रह्मचर्य का जीवन चुना है, वो केवल दमन करना हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है चुनाव ही मत करो, ना तो गृहस्थ जीवन का ना ब्रह्मचर्य जीवन का, दोनों चीज़ से ऊपर उठ जाओ। यानी गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य आप रह सकते हो जैसे भगवान श्री कृष्ण थे। ब्रह्मचर्य केवल इंद्रिय भोग का नाम नहीं है, ब्रह्मचर्य तो मन की स्थिति का नाम है। जब आप तीन गुणों से पार हो जाते हो तब असल में ब्रह्मचर्य घटता है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं चुनाव ही मत करो। पैसे की लालसा कौन छोड़ेगा, शराब को कौन छोड़ता है कि मैंने शराब पीना छोड़ दिया है। जिसके प्रति शराब के, जिसके मन में शराब के प्रति आकर्षण होगा वही शराब को छोड़ सकता है। जिसने शराब को पकड़ा होगा वही छोड़ सकता है। और जिसने शराब को पकड़ा ही नहीं उसको छोड़ने की जरूरत क्या है। किसी चीज़ को छोड़कर मात्र आप दमन कर सकते हो, और जब लगातार आप दमन किए जाओगे तो वो चीज़ विकृत रूप में बाहर आती है, विकृति के रूप में बाहर आती है। शराब छोड़ोगे आप मारिजुआना लेना शुरू कर दोगे, एलएसडी लेना शुरू कर दोगे, अफीम लेना शुरू कर दोगे, चरस लेना शुरू कर दोगे, यही करोगे शराब को छोड़ के। और क्या करोगे, और ज़्यादा विकृति में चले जाओगे। ब्रह्मचर्य चुनोगे, संन्यास जीवन चुनोगे, सेक्स करना बिल्कुल नहीं चुनोगे, रात को स्वप्न में आपको परेशान करेंगी अप्सराएं, सुंदरतम स्त्री आपको परेशान करेंगी स्वप्न में आकर, आपको लगता है कि स्वर्ग से अप्सराएं उतरती होंगी ऋषियों का ध्यान भंग करने के लिए कि जिन लोगों ने ब्रह्मचर्य जीवन चुना, मेरी समझ थोड़ी और है, उन लोगों ने सेक्स को दमन किया, उन लोगों ने ब्रह्मचर्य का चुनाव किया। तो जाहिर सी बात है कि सेक्स के प्रति उनकी इच्छा होगी तभी वो वैसा कर सके, और जब ऐसा वो कर सके तभी स्वप्न में उनको अप्सराएं दिखाई देती थी कि वो आ रही हैं। अप्सराएं मतलब कि सुंदरतम स्त्रियां जो कि धरती पे नहीं मिलती। तो यही कहा कि स्वर्ग से स्त्रियां आके, अप्सराएं आके उनको परेशान करती हैं। और आप में से ऐसे बहुत से लोगों ने किया होगा, कोई महिला है उसका प्रति उसका पति उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता, वो देखती है पराए पुरुषों से संभोग करते हुए सपने के अंदर। कोई पुरुष है अपनी स्त्री से संतुष्ट नहीं हो पाता है, वो देखता है कि सुंदरतम स्त्रियां उसके साथ में संभोग कर रही हैं स्वप्न के अंदर। स्वप्न आपकी चीज़ें पूरी कर देता है। हमारे दो मन हैं, एक चेतन और अचेतन। अचेतन मन से आपके स्वप्न आते हैं सारे के सारे, और अचेतन मन ही आपका असल में मन है। अचेतन मन ही आपका असली मन है। द्वैत का चुनाव मत करो, द्वैत में विरोध होता है, और विरोध चेतन और अचेतन के बीच ही है, क्योंकि चेतन मन अलग कहता है और आपका अचेतन मन अलग कहता है। जिस चीज़ को आप छोड़ देते हो वो सभी अंधेरे में चले जाती हैं अचेतन मन में, और जिस चीज़ की तरफ ध्यान देते हो वो चीज़ चली जाती है आपके चेतन मन में। आपको लगता है कि मैं चेतन मन हूँ, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि 95% आपका अचेतन मन आपको कंट्रोल करता है, केवल 5% आपका चेतन मन आपको कंट्रोल करता है, और उस 5% में से केवल 2% आप अपने बारे में जानते हो, 98% आप अपने बारे में जानते ही नहीं हो। द्वैत को छोड़ो तो चेतन और अचेतन के बीच में द्वंद्व खत्म हो जाएगा। परमात्मा सभी का भला करे।